दोस्तों, क्रिकेट के नए नियम अगर आपको भी सही लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिकेट के फैंस के लिए एक बार फिर होमवर्क तैयार हो गया है। मंगलवार को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब द्वारा नए नियमों का ऐलान किया गया। ये सभी नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। तो नए नियम क्या है, आपको डिटेल में बताते हैं। अगर अब कोई कैच होता है तब उसके बाद जो भी नया बल्लेबाज क्रीज पर आएगा वो बैटिंग करेगा। पहले ये नियम था कि अगर बल्लेबाज कैच के दौरान एंड चेंज कर लेते हैं तो पुराना बल्लेबाज भी बैटिंग कर सकता था। दूसरा नियम है, अगर मैदान पर कोई व्यक्ति या जानवर एंट्री कर लेता है तो उसको डेड बॉल ही घोषित किया जाएगा। पहले ऐसा होने पर खेल होता रहता था या फिर कुछ देर के लिए खेल रोक दिया जाता था। तीसरा नियम है, अगर फील्डिंग टीम का कोई फील्डर खेल के दौरान तय फील्डिंग से अलग जाता है और टीम को डिस्टर्ब करता है तो पहले उसे डेड बॉल घोषित कर दी जाती थी, लेकिन अब फील्डिंग टीम को ऐसा करना भारी पड़ेगा क्योंकि ऐसा करने पर 5 रनों की पेनल्टी लगाई जाएगी। अगला नियम है, कोरोना काल की वजह से बॉल पर सलाइवा लगाना बंद कर दिया था, अब इस नियम को हमेशा के लिए स्थायी बना दिया है। यानी क्रिकेट बॉल को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा, सिर्फ पसीने का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला नियम है, अगर बॉल पिच से बाहर लैंड करती है, अब अगर कोई बल्लेबाज शॉट खेलेगा तो उसका या बल्ले का कुछ हिस्सा पिच पर रहना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो एम्पायर के पास उसे डेड बॉल घोषित करने का अधिकार होगा। इसके अलावा अगर कोई भी बॉल बल्लेबाज को पिच से बाहर निकालने के लिए मजबूर करती है तो वो भी नो बॉल होगी। अगले नियम में वाइड बॉल को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। बल्लेबाज अगर कोई इनोवेटिव शॉट खेलने के लिए अपने स्टांस में बदलाव करता है और बॉलर उसका पीछा करने के लिए बॉल इधर उधर डालता है तो बल्लेबाज की पोजीशन के हिसाब से वाइड नापी जाएगी, ना कि स्टंप की दूरी के हिसाब से। और आखिरी बदलाव है, अगर कोई बॉलर गेंद फेंकने से पहले ही स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज को रन आउट करने की कोशिश करता है तो ये डेड बॉल घोषित कर दी जाएगी। ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए पहले इसे नो बॉल माना जाता था। तो अगर ये सभी नियम आपको भी पसंद आए हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।